हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा गोथिक आर्ट, और ये जो है ये इसका फर्स्ट पार्ट रहेगा। इसमें हम गोथिक आर्ट क्या है, कब स्टार्ट हुई और इसमें किस टाइप के भवन बने, वास्तुकला की विशेषताएं क्या हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट इसका पार्ट रहेगा उसमें हम गोथिक आर्ट के जितने भी महत्वपूर्ण कलाकार हैं, चित्रकार हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसका जो टाइम है वो था 1135 से 1400, यानी कि जो है 11वीं या 12वीं शताब्दी से फ्रांस में ये स्टार्ट हुई थी। लेकिन जो 13वीं शताब्दी है वो उसमें इसकी चरम उन्नति थी। इसका जो पीक टाइम था वो था 13वीं शताब्दी, लेकिन एग्ज़ाम में आपको 12वीं शताब्दी देखने को मिलेगा, ठीक है। 12वीं शताब्दी में ये शुरू हुई थी और फ्रांस आपको याद रखना है। उसके बाद इसका एक अन्य नाम है, वो है इचकला। इचकला के नाम से इसे जानते हैं। उत्तरी फ्रांस, फ्लांडर्स और इंग्लैंड में विकसित हुई थी ये गोथिक शैली। पेरिस में स्थित एमियंस कैथेड्रल ऑफ नोटे डैम और रिम्स गिरजाघर, जो कि 12वीं और 13वीं शताब्दी में बने थे, वो गोथिक शैली में ही निर्मित हैं। आपसे इनका जो गिरजाघर है, ये कैथेड्रल है, इनका नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ये आप किस शैली में निर्मित हैं। उसके बाद देखिए, गोथिक युग की मूर्तिकला का उच्चतम जो शास्त्रीय रूप है वो फ्रांस में स्थित रिम्स गिरजाघर में पाया जाता है। तो ये जो रिम्स गिरजाघर है ये है फ्रांस में, ये तीनों ही आपके पेरिस में स्थित हैं। गोथिक शैली में भवनों के साथ साथ मूर्तिकला, रंगीन कांच, पांडुलिपि अलंकरण कलाओं को विशेष प्रोत्साहन मिला था, ठीक है। इसमें आपके भवन तो बने ही थे लेकिन इसके साथ साथ मूर्तिकला भी बनी थी, ठीक है। रंगीन कांच का यहाँ पर प्रयोग किया गया था और पांडुलिपि अलंकरण कलाओं का, यहाँ पर जो पांडुलिपि अलंकरण है उन कलाओं को यहाँ पर विशेष प्रोत्साहन दिया गया था। गोथिक भवनों में विशुद्ध ज्यामितीय आकार की प्रचुरता थी, जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उनका यूज़ यहाँ पर इस शैली में किया जाता था। स्तंभों, स्तंभ शीर्ष और मेहराबों इत्यादि के रूप में प्राय रेखाओं और चापों की अनुभूति होती थी। गोथिक शैली में एक बात याद रखना कि रेखाओं की प्रधानता थी। जैसे कि भारतीय कला में जो है वो ये क्वेश्चन बनता है कि भारतीय कला कैसी थी, तो वो रेखा प्रधान थी। तो वैसे ही जो गोथिक आर्ट है वो भी उसमें रेखाओं की प्रधानता होती थी। और जो गोथिक आर्ट है वो मुख्यतः भवन निर्माण की कला थी। अब देखिए, कला के संदर्भ में गोथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1530 ईस्वी में इटालियन कलाकार और इतिहासकार जियोर्जियो वसारी के द्वारा किया गया था। रंगीन अल्बास्टर शिल्प इंग्लिश गोथिक कला देश की विशेषता है। ईसाई तथा रोमनस्क परंपरा का मिश्रण ही गोथिक आर्ट है, यानी कि जो ईसाई आर्ट हम पढ़ चुके हैं और रोमनस आर्ट भी हम पढ़ चुके हैं, ये दोनों ही हमने पढ़ ली हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पिन कर दूँगी, उसका लिंक दे दूँगी, ठीक है। तो इन दोनों का जो मिश्रण है, यानी कि जो गोथिक आर्ट है उसमें इन दोनों के ही जो विशेषता हैं वो मिलती हैं। यह उत्तरी फ्रांस की स्थानीय शैली थी। इस शैली में नुकीले मेहराब वाले भवन बने, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। इसका मतलब जो गोथिक आर्ट है उसका पूरा अगर वन वर्ड में सार आपसे पूछे तो वो है नुकीले मेहराब। ये इसका एक की पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। नुकीले मेहराब जो है वो गोथिक शैली में बने थे और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। आकृतियों की प्रतीकता है। गोथिक शैली के प्रचलन का अर्थ है कलाओं का केंद्र पूर्व के बजाय पश्चिम की ओर हट जाना। इस शैली को 13वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय शैली का महत्व प्राप्त हुआ। गोथिक का स्थापत्य गणित आदि के आधार पर हुआ। गोथिक कला के अंतिम कलाकार थे जियोटो, जिनके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पूरा डिटेल से देखेंगे, जितने भी इसके महत्वपूर्ण कलाकार हुए हैं। भवनों में स्तंभों का विशेष महत्व था, ठीक है। यहाँ की जो वास्तुकला है वो ज़्यादा फेमस थी, जो कि नुकीले मेहराबों पर जन्म देते थे, यानी कि यहाँ पर जो है नुकीले मेहराबों पर जो स्तंभ बनाए जाते थे वो यहाँ पर मेनली
फेमस थे। इन्हीं मेहराबों पर छत स्थिर रहती थी, स्तंभों पर मूर्तियां उत्कीर्ण की जाती थी। अभी हम आगे जब इसके जो कुछ पिक्चर्स देखेंगे तब आप देखेंगे कि आपको इजीली ये पहचान में आ जाएगी कि ये गोथिक आर्ट है। यहाँ पर जो है नुकीले मेहराब बनाए जाते थे और उन मेहराब पर इस टाइप से स्तंभ बनाए जाते थे और उन स्तंभों के ऊपर मूर्तियाँ बनाई जाती थी। यहाँ पर स्तंभ तो जो है वो एकदम नुकीले होते ही थे, लंबे भी होते थे, जो आम अन्य जो शैलियाँ हैं या आम जो भवन वगैरह बनाए जाते हैं, इमारत बनाई जाती हैं, ठीक है, तो वो इतनी नुकीली नहीं होती, इतनी लंबी नहीं होती, लेकिन इसमें नुकीली भी पाई जाती थी और लंबी भी पाई जाती थी। और महलों के साथ साथ यहाँ पर जो मानव आकृतियाँ, जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी स्तंभों पर, दीवारों पर, वो भी अपेक्षाकृत लंबी बनाई जाती थी। ऐसे भवन धार्मिक कार्यों के लिए विशेष उपयोगी होते थे। इनमें लंबे व ऊंचे दरवाजे और खिड़कियों का यूज़ किया जाता था, जिनमें से बहुत अधिक प्रकाश भवनों में आता था, ठीक है, मतलब जो खिड़की हैं, दरवाजे हैं, वो बहुत ऊंचे ऊंचे बनाए जाते थे, बहुत लंबे बनाए जाते थे, ताकि उनसे जो ज़्यादा प्रकाश है वो अंदर आ पाता था। गोथिक भवनों में लंबे आकार की मूर्तियों का प्रयोग स्तंभों पर हुआ है। गोथिक शैली की प्रमुख विशेषता रेखा प्रधान है। गोथिक शैली पूर्ववर्ती रोमन कला का विकसित रूप है, तो विकसित इसका जो है रोमनेस्क कला का विकसित रूप हम गोथिक शैली को कह सकते हैं, जो कि मूलतः वास्तुकला शैली थी। गोथिक शैली का अगर प्रथम भवन पूछा जाए तो वो था संत डेनिस का गिरजाघर, जिसकी स्थापना 1220 ईस्वी में फ्रांस के तात्कालिक शासक थे एबोट सूजर उनके द्वारा पेरिस में की गई थी। गोथिक दरवाजे तथा खिड़कियां लंबे गोथिक भवनों की मुख्य विशेषता थी। रंजित कांच की खिड़कियां, दरवाजे, नुकीली मेहराब, ऊर्ध्व लयात्मक निर्माण, तो ये कुछ की वर्ड हैं, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद है फ्लाइंग बेटर्स, गोथिक भवनों की ऊंची ऊंची दीवारों को बाहर से सहारा देने के लिए बनाए गए थे, बनाए गए रक्षा कक्ष फ्लाइंग बेटर्स कहलाते थे। मतलब जो गोथिक भवन की जो ऊंची ऊंची दीवारें होती थी तो उनको बाहर से जो सहारा देने के लिए बनाए जाते थे उन्हें बोलते थे रक्षा पक्ष फ्लाइंग बट्रेस। नुकेले मेहराबों का इस शैली में इतना प्रयोग हुआ है कि नुकेले मेहराबों वाले समस्त भवन ही गोथिक कहलाए। गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म सेंट डेनिस गिरजाघर फ्रांस में हुआ था। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं देखते हैं। गोथिक मूर्तिशिल्प की प्रमुख विशेषता अलंकारिकता का परित्याग, तकनीकी कुशलता, सादृश्य तथा मानववादी भावना, रुझान, तेल और चटक रंगों का प्रयोग, ये सभी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। उसके बाद है कि आकृतियों की लंबाई, भवनों की छतें ऊंची होती थी जिस कारण खंभे, खिड़कियां और दरवाजों की लंबाई भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती थी। उसके प्रभाव से गोथिक मूर्तियाँ भी लंबे आकार की बनाई जाने लगी। मानवीय भावना, स्वर्ग आदि की आकृतियों को भी मानवीय भावना से देखा जाता था। मतलब जो अगर देवताओं वगैरह की या वहाँ की कुछ आकृतियाँ जो है वो चित्रित की गई हैं तो उनको भी बिल्कुल ऐसे ह्यूमैनिटी की जो फीलिंग है, जो हम मानव आकृतियाँ उत्कीर्ण करते हैं, सेम उसी फीलिंग के साथ वहाँ पर उसे बनाया जाता था। जो सभी संत वगैरह होते थे, जो ठीक है देवदूत वगैरह होते थे, उनका चित्रण भी किया जाता था। उसके बाद है रंगों का आकर्षण, रंजित कांच का कार्य चार्टरेस चर्च में सबसे सुंदर माना जाता है। गोथिक चित्र शैली की प्रमुख विशेषता रंजित कांच की खिड़कियां हैं। रंजित कांच की खिड़कियों में चमकदार रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। यह विधि आध्यात्मिक तथा सर्वांगिक अलौकिक अनुभव को जगाने में विशेष सहायक सिद्ध हुई है। उसके बाद है यथार्थवादिता, आकृतियों का यथार्थपूर्ण चित्रण हुआ है, अतः इसमें स्वाभाविकता अधिक है। विषयों की विविधता, तो इसमें जो विषय हैं वो अलग अलग धार्मिक और अधार्मिक दोनों ही विषय यहाँ पर यूज़ किए गए थे। धार्मिक कृतियाँ जो बनाई गई थी उनमें जैसे कि कुमारी तथा शिशु, संत, देवदूत आदि, और अन्य कृतियों में सम्राट, संरक्षकों के व्यक्तिचित्र, मृत्यु का नृत्य और अंतिम न्याय। उसके बाद देखिए वास्तुशिल्प, गोथिक शैली का जो वास्तु का प्रारंभ है वो उत्तरी फ्रांस के कैथेड्रलों में हुआ था, और सभी ऊंच खुले स्थानों पर लंबी खिड़कियां लगाकर
उनमें रंजित कांच जड़ दिए जाते थे। इनमें भड़कीले लाल, पीले, हरे आदि रंगों से बाहर आदि रंग बाहर से आने वाले प्रकाश को रंगों में परिवर्तित करके एक अलौकिक और अवास्तविक वातावरण का प्रभाव उत्पन्न करते थे। यहाँ पर जो है वो रंग बिरंगे कांच का प्रयोग किया जाता था, और वो जो कांच होते थे वो मेनली बहुत गहरे जो कलर होते थे, जैसे लाल, बैंगनी, हरा, तो इस टाइप के कलर्स का उनमें ज़्यादा यूज़ किया जाता था, जिससे कि फिर उनके ऊपर जब धूप पड़ती थी, उनके ऊपर लाइट पड़ती थी, तो वो एक अलग ही इफ़ेक्ट जो है वो पैदा होता था। नुकुली उच्च तथा बहुमंजिला रंगीन खिड़कियां ऊंचे गिरजाघरों में अंतराल को बहुरंगी प्रकाश से उत्पन्न अलौकिक वातावरण से भर देती थी। गोथिक भवन की कमानीदार छतों के निर्माण में परस्पर काटते हुए दो चापों का प्रयोग हुआ है, जिन्हें कि रिब्स कहते हैं। चर्च भवन के निर्माण में अंदर प्रार्थना स्थल के चारों ओर परिपथ और छोटे कक्ष बनाए जाते थे। गोथिक का जो विशेष उत्थान हुआ है उसे उच्च गोथिक कहते हैं। इस शैली के सभी अलंकरण उधरलय में बने हैं, जिसे अतः इसे प्रलंब अध्याय भी कहा जाता है। स्टेन ग्लास विधा भी जो है वो गोथिक युग में ही स्टार्ट हुई थी। स्टेन ग्लास विधा का विकास 950 से 1240 के मध्य हुआ है। आइल द फ्रांस क्षेत्र, जो पेरिस के आसपास फ्रांस के अंतर्गत क्षेत्र था, एक विशेष व सर्वथा भिन्न गिरजाघर वास्तुकला शैली का उद्भव हुआ है, जिसे कि आज गोथिक शैली के नाम से जाना जाता है। रंगीन अल्बास्टर शिल्प इंग्लिश गोथिक देश की गोथिक कला की विशेषता है। स्टेन ग्लास जो चित्रकला है उसे जर्मन दार्शनिक थे गेटे, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने इसे फ्रोजन म्यूजियम की संज्ञा दी है। किसे? स्टेन ग्लास जो चित्रकला है उसे। गोथिक स्थापत्य में शीशा चित्र प्राय खिड़कियों में बने होते थे। इनमें विभिन्न आकार के रंगीन शीशे के टुकड़े बनाए जाते थे, जिन्हें टीसेरेई कहा जाता था। खिड़कियों में जो रंगीन कांच के टुकड़े चिपकाकर जो चित्र बनाए जाते थे उन्हें बोला जाता था टीसेरेई। गोथिक शैली का चरमोत्कृष्ट रूप चार्टेस कैथेड्रल में दिखाई देता है। इस कैथेड्रल का निर्माण 11वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य पेरिस में हुआ था, दक्षिण पश्चिम से लगभग 80 किलोमीटर दूर फ्रांस के चार्टेस में। 1979 को यूनेस्को ने चार्टेस गिरजाघर को विश्व विरासत सूची में शामिल करते हुए इसे गोथिक कला का उच्च बिंदु तथा उत्कृष्ट कृति कहा है। सियेना की चित्रकला का पिता दुच्चिए कहा जाते थे, और गोथिक कला के समाप्त होने पर इटली का पुनर्जागरण काल शुरू हो गया था। तो बाकी जितनी भी काल हमने पढ़े हैं ये सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, सबसे इजी है गोथिक काल, ठीक है, ये आपको बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, और अगर आप इसके जब चित्र देखेंगे तो आपको बहुत ये और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक तो ये अपेक्षाकृत जो भवन बने हैं, बाकी जो अपने महल वगैरह देखे होंगे, भवन देखे होंगे किसी भी शैली में, तो इतने लंबे नहीं बने हैं, ठीक है, इसमें एक तो लंबे बने हैं, ठीक है, पहली तो विशेषता ये है कि ये लंबाई में अधिक हैं, दूसरे ये कि ये नुकीले हैं, ठीक है, आप दिख रहे हैं बहुत एकदम नुकीले ये बनाए जाते थे, ठीक है, तो ये लंबे मेहराब और ऊँचे और नुकीले यहाँ पर इनकी विशेषता है। ये देखिए कितनी सिमिलरिटी है, सॉरी। अब देखिए यहाँ पर जो पिलर्स बनाए जाते थे, जो स्तंभ बनाए जाते थे, उनमें आकृतियाँ बनाई जाती थी, और ये आकृतियाँ भी आप देखेंगे कि जो बाकी हमने आकृतियाँ पढ़ी हैं, चाहे वो इंडियन में हो चाहे वो वेस्टर्न आर्ट में हो, तो इतनी लंबी आकृतियाँ कहीं भी दिखाई नहीं देती हैं। यहाँ पर जो आकृतियाँ बनाई गई हैं देखिए बहुत ही जो लंबी है वो बनाई जाती थी, ये देखिए, तो इस टाइप से, ठीक है, तो ये हमारी गोथिक आर्ट का फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने उसकी विशेषता, ओरिजिन वगैरह सब पढ़ा, और अब नेक्स्ट इसका हम सेकंड पार्ट कल सोर देखेंगे, जिसमें हम इसके जो प्रमुख चित्रकार थे वो पढ़ेंगे। तब तक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी तैयारी कर रहे हैं, और आपने अगर प्रीवियस जो भी वीडियोज़ हैं अन्य शैलियों से, जो पाश्चात्य शैलियाँ हुई हैं, जो वीडियो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट हैं, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।